हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रेजर। आज हम बनाएंगे मटर का निमोना, जो कि यूपी की एक ऑथेंटिक रेसिपी है। इसे बहुत ही कम मसालों के साथ बनाया जाता है और सर्दी में तो इसे जरूर से बनाया जाता है, क्योंकि ताजे मटर मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मटर का निमोना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप ताजे मटर लिए हैं। आप चाहें तो फ्रोजन मटर से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ताजे मटर से बनाएंगे तो निमोना ज्यादा टेस्टी बनेगा। इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। सबसे पहले हम आलू को कट कर लेते हैं। आलू को हम वेजेज में कट करेंगे। इसके लिए मैंने एक आलू लिया है और इसे इस तरह से बीच में से हाफ कर लेंगे। इसके बाद एक बार फिर हम इसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें वेजेज में आलू को कट करना है। बाकी आलू भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से हम एक आलू को 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और ये देखिए, सारे आलू को हमने कट कर लिया है और अब हम इन्हें पानी में डालकर छोड़ देंगे, जिससे कि आलू काला ना पड़े। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और हमने जो मटर के दाने लिए हैं उसे मिक्सर जार में डाल लेंगे। थोड़े मटर के दानों को मैंने रख लिया है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। और अब हम मटर के दानों को दरदरा पीस लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हमें इसे दरदरा पीसना है, बहुत बारीक हमें मटर को नहीं करना है। और अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और इसे हम एक साइड पर रख देंगे। इसके साथ ही हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 10-12 लहसुन की कली, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, मुट्ठी भर हरा धनिया जिसे मैंने डंठल के साथ ही लिया है, और 2 टमाटर। इन सबको हम एक मिक्सर जार में डाल लेंगे। अदरक को हम काट कर डालेंगे, जिससे कि इसे पीसना इजी हो जाए। टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसे भी हम मिक्सी में डाल देंगे। और इन सब का हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजों को हमने पीस लिया और इनका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। और इसे हमने बिना पानी के ही पीसा है, बिल्कुल भी पानी इसमें हमने यूज नहीं किया है। और अब हम इस पेस्ट को भी एक बॉल में निकाल लेंगे और इसे भी साइड पे रख देंगे। एक कढ़ाई में मैंने 5 से 6 टेबलस्पून सरसों के तेल को गरम कर लिया है। और अब हम इसमें हमने जो पोटैटो वेजेस कट किए थे वो डाल देंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि आलू को तेल में डालने से पहले इन्हें एक कपड़े पर फैला लें, और जिससे कि आलू का जो पानी है वो निकल जाए। गैस की फ्लेम हम तेज रखेंगे और तेज फ्लेम पर ही आलू को अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो सरसों के तेल की जगह रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में अगर निमोना बनाएंगे तो ये ज्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप सरसों का तेल ले रहे हैं तो सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गर्म करें और उसके बाद हल्का सा टेम्परेचर इसका कम कर लें और उसके बाद ही इसमें आलू डालें। और ये देखिए फ्रेंड्स, आलू को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम इन्हें भी एक साइड पर रख देंगे। एक बार फिर से मैंने वही कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 टेबलस्पून तेल को मैंने रोक लिया है और जो एक्स्ट्रा तेल था उसे मैंने निकाल दिया है। और हमने जो मटर को पीसा था अब हम उसे इस तेल में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर मटर को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से पानी सूख ना जाए और मटर हमारी ड्राई फॉर्म में ना आ जाए। मटर को भूनते हुए हमें लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी मटर काफी हद तक ड्राई भी हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि ये सारा प्रोसेस हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करना है। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगे और मटर को भी हमें पूरी तरह से ड्राई होने तक ही भूनना है, नहीं तो मटर का जो कच्चापन है वो इस निमोना में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मटर को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से पानी बिल्कुल सूख ना जाए। और ये देखिए, हमने मटर को बिल्कुल ड्राई होने तक रोस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मटर का कलर भी हल्का सा ब्राउन हो गया है। बस इतना ही हमें इसे भूनना है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे भी हम एक बॉल में निकाल लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। एक बार फिर से मैंने उसी कढ़ाई में 3 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता और 1 से 2 पिंच हींग। जब जीरा तड़क जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। तो गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। जब प्याज का कलर हल्का गुलाबी हो जाए तो हमने जो मसाला बनाया था हम उसे भी प्याज के साथ डाल देंगे।
और इस मसाले को भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। हमने इस मसाले को लगभग 2 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। सूखे मसालों को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हमने जो मटर के दाने साइड में रखे थे उन्हें भी हम इसमें ऐड कर देंगे और मटर के दानों को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और इसे तब तक पकने देंगे जब तक हमारा मसाला तेल रिलीज न कर दे। मसाले को भूनते हुए हमें लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मसाले ने हल्का हल्का तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है और हमने जो मटर को भुना था अब हम उसे भी इस मसाले में ऐड कर देंगे और मटर को भी हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। आपको ग्रेवी को जितना पतला या गाढ़ा करना हो उतना पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है तो आधा कप पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम तेज कर देंगे और ग्रेवी में एक बॉईल आने देंगे। जब ग्रेवी में बॉईल आ जाए तो हम इसमें पोटैटो वेजेस भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कम तेल में ये सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप आलू को बिना फ्राई किए हुए भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम अब हम लो टू मीडियम कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने मटर को ऑलरेडी भुना हुआ है तो इसे हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे और अब हम इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी ने काफी तेल रिलीज भी कर दिया है और सारे मसालों का फ्लेवर सब्जी के अंदर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसमें से अब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इतना ही हमें इसे पकाना है। एक बार हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसे एक सर्विंग कढ़ाई में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप गरम गरम मटर का निमोना रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप मेहमानों के आने पर भी इसे बना सकते हैं। इस बार सर्दी में आप ये मटर का निमोना जरूर ट्राई करें और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें।